आप शायद इन दोनों को देख के चौंक पड़ गए कि पंडित जी दोनों के हाथ में आके देखे करवा क्या रहे हैं। दोनों के हाथ चावल और देखे जिस तरह से दिया जल रहा है पूरी तरीके से यहाँ शादी का माहौल है, लेकिन लड्डू भी हैं और लड्डू देखे आप विश्वास नहीं करेंगे शादी आखिर इन दोनों की कैसे हो रही है, क्योंकि अब हम दिखाएंगे ये शादी इन दोनों की इसलिए हो रही है कि क्योंकि बारिश नहीं हो रही इसलिए आदमी से आदमी का विवाह हो रहा है। तो पंडित जी बड़े साइलेंट मोड पर इन दोनों से पूजा करवा रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इनके सामने यज्ञ हवन भी चल रहा है और दोनों पूरी तरीके से पूजा भी कर रहे हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि यहाँ पर लड़की कहाँ है, तो लड़की नहीं है, क्योंकि लड़की होगी तो शादी ओरिजिनल हो जाएगी। और देखिए पास में आशीर्वाद देते हुए ससुर जी भी नज़र आ रहे हैं। क्यों आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, क्या ठीक आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस गाने को चरितार्थ होते शायद नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है इंदौर में जहाँ एक आदमी से शादी करवाई गई। खास बात यह है कि ये दोनों आदमी एक दूसरे से प्यार नहीं करते फिर भी इनकी शादी करवा दी गई है, इसके पीछे की वजह आप जानकर हैरान हो जाएंगे। फिर पहचान गीतकार नीरज के बोल और मुकेश की आवाज़ को आज उस समय नहीं पहचान मिल रही जब एक आदमी की दूसरे आदमी से शादी करवा दी गई, और ये सब हुआ राधा कृष्ण मंदिर में। मूसाखेड़ी के आलोक नगर के राधा कृष्ण मंदिर की धर्मशाला में गुरुवार रात को सखाराम और राकेश ने साथ पैर ले ली और हो गया आदमी का आदमी से विवाह। इसके पीछे की वजह बताते हुए यमराज भक्त रमेश सिंह तोमर ने बताया कि शहर में बारिश कम हो रही है जिसके चलते इंद्रदेव को मनाने की कोट का किया गया है, एक कोट का पूर्वजों ने भी अपनाया था। तोमर का मानना है कि भगवान एक ही तरीके के विवाह से जैसे मेंढक का मेंढकी से गधे का गधे से और अब बोर हो चुके थे, लिहाजा आदमी की आत्मी शादी भगवान को जगाने की जरूरी थी। इस शादी में बकायदा बाराती और घराती भी मौजूद थे, लोगों ने बारात में नाच गान किया। वहीं सखाराम और रात में सात जन्मों बनने क्योंकि उन्हें पता है कि स्टोव के लिए बादशाह हमें बारिश अच्छी होगी, उनका यह जन्म सवार थी मूसाखेड़ी के इन दोनों लोगों ने आस्था और समय पूरी व्यस्त कर। इस समय शादी संपन्न हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हुई, हालांकि शादी को आस्था कहे या अंधविश्वास लेकिन यहाँ सवाल बारिश का है जिसे व्यक्ति चाहता है। दूल्हे से दूल्हे की शादी कहाँ है या आजूबे से आजूबे की शादी, कुछ भी हो सकता है। यज्ञ हवन का धुआं उड़ते हुए वाह ये तो असली शादी का, अरे ये दूल्हे तो मिठाई भी खिला रहे हैं आपस में, वाह बहुत ही अच्छे बहुत ही सुंदर नजारा है दूल्हे से दूल्हे की शादी का। अब मंगलसूत्र भी पहना रहा है, इससे बढ़ के और क्या होगा खबरों के लिए। बहुत खुश है दुल्हन भी दूल्हे के रूप में, मंगलसूत्र आप देखिए किस तरह से मूंछ वाले आदमी को पहनाएगा, बड़ा ही आश्चर्य। और लड्डू खा के देखे शादी कंप्लीट करवा दी गई है, लो भाई लड्डू खा लो तुम दोनों की शादी हो गई, और ये छोटे छोटे 25-30 के टॉप अप नाचते हुए क्या सबकी शादी हुई, बहुत बढ़िया। ससुर जी नाचते हुए ससुर जी के पिताजी वाकई यही जाने क्या करी है को इन दोनों ने जरूर इन दोनों को गधा बना दिया।